कैसे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करें, उस रेसिपी का नाम है बकराईद स्पेशल बीफ सिंधी बिरयानी। हमने जब आपको सिखाई थी वो हमने सिखाई थी चिकन में, चिकन के अंदर हमने सिंधी बिरयानी सिखाई थी। आज हम जो सिखाने जा रहे हैं उस रेसिपी का नाम है बीफ सिंधी बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होती है। दावतें चल रही होंगी बकराईद की, आप चाहें तो दावतों में बना सकते हैं। यानी आप दावतों में ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 kg बीफ। ऐसे वॉश बीफ सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमने एक पोट के अंदर 1/2 कप ऑयल ले लिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ का गोश्त 1 kg। हम ऐड कर रहे हैं बीफ का गोश्त, गोश्त ऐड कर दिया है 1 kg। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ऐड कर दिया, इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसका गोश्त इसमें ऐड कर दिया, जैसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। 2 कप टमाटर लिए हैं जिसे हमने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है बारीक। इसको हम ऐड करेंगे बीफ सिंधी बिरयानी में ऐड। लहसुन डाल के इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप प्याज। अब हम इसके अंदर ऐड करें 1 कप प्याज, फ्राई की हुई हमने 1 कप प्याज इसमें ऐड करनी है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप टमाटर, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर लेंगे। और फ्राई प्याज को टमाटर को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सॉफ्ट होते जा रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 tablespoon नमक ऐड करेंगे, आप चाहें तो टेस्ट के अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 teaspoon। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 teaspoon चिल्ली फ्लेक्स। यहाँ 2 teaspoon चिल्ली फ्लेक्स इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करें धनिया पाउडर 1 teaspoon। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon जायफल चबेत्री का पाउडर, आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते। खड़ा मसाला 1 teaspoon, 2 अदद बड़ी इलायची, 10 अदद लौंग, 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद दालचीनी और 1 अदद तेज़पत्ता। इन तमाम चीज़ों को एक साथ इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। इसे हम 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरीके से इसे कुक करेंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर गोश्त के अंदर शामिल हो जाए। इसे 8 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 glass पानी। यहाँ हमने 3 glass पानी इसमें ऐड कर दिया, ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स भी कर लिया है। अब इसे हम कवर करके रखेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया, इसको हम कवर करके रखते हैं। इसे हम कवर करके रख देते हैं उस वक्त तक जब तक ये गोश्त टेंडर नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे 80% तक कुक करना है इस गोश्त को। अब उसको मिलते हैं जब गोश्त गलने के बाद। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ हम कर रहे हैं 2 अदद आलूओं को बॉयल। इसके अंदर हमने ऐड किया है 1/4 teaspoon येलो फूड कलर। ये जब बॉयल हो जाएंगे तो इसको रखेंगे एक साइड पे, इसको हम ऐड करेंगे फिर बीफ सिंधी बिरयानी के अंदर। सिंधी बिरयानी को जो हमने लो फ्लेम पे रखा था गोश्त को टेंडर करने के लिए, 1/2 घंटा हो चुका है। इसका कवर हटा के हम आपको लोग दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है, हो चुका है। और उसका हम दिखा देते हैं ये गला है नहीं गला, ये देख सकते हैं हमारा कांटा अच्छी तरीके से जा चुका है। इसका मतलब हमारा गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, टेंडर हो चुका है, मैंने आपको चेक भी करवा दिया। अब इस पानी को हम कर लेंगे ड्राई और उसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 teaspoon साबुत ज़ीरा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 teaspoon कुटा हुआ धनिया, 1 कप दही, 2 आलू जो हमने बॉयल कर लिए थे कलर डाल के। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, तरीके से मिक्स कर रहे हैं। चीज़ों को डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए, इसे 8 मिनट तक हम मज़ीद कुक कर लेंगे। हमारी सिंधी बीफ बिरयानी हो चुकी है कम्प्लीट रेडी। इसका मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे लेयर्स,
हाफ मसाला हम निकालेंगे और हाफ मसाला हम इसी के अंदर रहने देंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे बॉयल हुए राइस। चावल ये थे जिसे हमने आधा घंटा भिगो दिया था, ये अच्छी तरीके से भीग चुके थे, उसके बाद हमने इसे बॉयल कर लिया है 2 चम्मच ऑयल डाल के और नमक डाल के हसबे ज़रूरत। और यहाँ हमने बॉयल कर लिया, उसके हम लगाएंगे लेयर्स। बीफ सिंधी बिरयानी का मसाला था हमने आधा इसी के अंदर रहने और आधा हमने डिश के अंदर निकाल लिया है, अब इसके हम लगाएंगे लेयर्स। सबसे पहले हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे पुदीना हसबे ज़रूरत, बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिरयानी की खुशबू को दुबला कर देता है ये। हसबे ज़रूरत हरा धनिया, अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं हरा धनिया पुदीना डालने के बाद ताकि हमारा हरा धनिया पुदीना काला ना हो जाए, फ्रेश फ्रेश रहने के लिए हम इसे मिक्स कर लेंगे। बता रहे हो तो पुदीना ऐड नहीं करना चाहिए वरना ब्लैक हो जाता है और आपकी बिरयानी ख़राब हो जाती है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बॉयल हुए राइस, बहुत ज़्यादा लंबी इसकी हाइट है, बहुत अच्छे हैं ये। तवा रख दिया, उसके ऊपर हमने देगची रख देंगे, राइस लगा दिए हैं हमने फर्स्ट लेयर के अंदर, उसमें ऐड करेंगे हम टमाटर ऐड करेंगे स्लाइसिस में हमने इसे काट लिया है। लेमन के स्लाइसेस हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हमने आपको सिंधी बिरयानी बनाना सिखाई है, वो चिकन में बनाना सिखाई है, वो भी बहुत अलग मेथड के साथ बनाई है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके चिकन में खाना पसंद करते हो चिकन में बना सकते हैं, अगर आप बीफ में खाना चाहते हैं बीफ में भी बना सकते हैं, आप चाहे मटन में भी बनाना चाहें मटन में बना सकते हैं, अगर बकरीद का गोश्त है तो आप मटन और बीफ में बना सकते हैं। बीच में से कट लगा लिया है, इसमें से कट लगा लगा के हसबे ज़रूरत ऐड कर दिए, स्लाइसेस लगा दिए, लेमन के स्लाइसेस लगा दिए, हरी मिर्च हमने कट करके लगा दिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फ्राई प्याज हसबे ज़रूरत, यहाँ हमने फ्राई प्याज इसमें ऐड कर दी है, हाफ मसाला हमने इसमें निकाल लिया था, इसको हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, अच्छा वो मसाला जो निकाल के रखा था इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। दोबारा से हम चावलों के लेयर लगाएंगे, लिया था उसके अंदर हमने ऐड कर दिया ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर इसको हम ऐड करेंगे चावलों के अंदर। सेकेंड लेयर हमने इसमें ऐड कर दी है चावलों की, अब इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर जो हमने दूध के अंदर डालता है, टमाटर के स्लाइसेस अगेन ऐड कर दिए और साथ ही उसके अंदर ऐड करेंगे लेमन के स्लाइसेस, यहाँ हमने लेमन के स्लाइसेस में ऐड कर दिए और साथ ही उसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई प्याज हसबे ज़रूरत। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होती है बीफ सिंधी बिरयानी, बहुत ही यूनिक इसका फ्लेवर होता है। और ये बीफ सिंधी बिरयानी की बात क्या खसूसियत है इसमें, इसमें आलू ऐड होते हैं और हमारे घर में आलू बहुत शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे मेहमान आते हैं उनको भी आलू बड़े पसंद हैं, इसलिए हमें बिरयानी में ऐड करना, जब मेहमान आए उनके लिए बनाएं बीफ सिंधी बिरयानी, क्योंकि डालेंगे गोश्त कम डालना पड़ेगा, इसलिए दोनों ही मज़े हैं। गोश्त बचाने के लिए आप बनाएं हमेशा मेहमानों के लिए बीफ सिंधी बिरयानी, मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी। मिर्चें हसबे ज़रूरत, हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, हसबे ज़रूरत हरा धनिया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार होती है ये, बहुत ही ज़्यादा ये भी बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है और बहुत अच्छा इसका लुक आया है। इसके अंदर ऐड करें 2 टेबल स्पून घी ताकि हमारे चावलों के अंदर अच्छी सी शाइनिंग आ जाए, बहुत ही इसमें ऐड कर दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह हमें 15 मिनट हो चुके हैं कवर करके, इसे दम पे हमने रख दिया था, इसका हम कवर हटा के आपको लुक दिखा देते हैं इसका फाइनल। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी बीफ सिंधी बिरयानी हो चुकी है कंप्लीट रेडी, इसको हम इसको मिक्स करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं हरा धनिया जो कि ग्रीन है, अगर हम इसमें पुदीना ऐड करते तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता, हमारी बिरयानी को ख़राब कर देता है, इसलिए आप कभी भी एंड के अंदर पुदीना मत ऐड करिएगा। इसको हम इसको चला के दिखाते हैं, ये देख सकते हैं हमारी बीफ सिंधी बिरयानी बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है, इसको हम करेंगे सर्व। बकराईद स्पेशल बीफ सिंधी बिरयानी हो चुकी है कम्प्लीट रेडी, से हमने गार्निश करा है लेमन के साथ टमाटर के साथ, उसने सर्व किया है हमने सैलेड खीरा और प्याज और साथ में हमने रखा है ग्रीन रायता, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होती है, बहुत अच्छा इसका जायका होता है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है, मुँह में पानी आ जाता है आपके। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।